हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। और आप सभी को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम्स के अपडेट्स आपको देते रहते हैं और उससे संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो भी हम आपको दिखाते रहते हैं। तो इसी संबंध में हमें पता है, देखिए वन दरोगा का जो लिखित परीक्षा है उसका जो पैटर्न है और कितने क्वेश्चन उसमें आएंगे वो घोषित कर दिया गया है और उसमें जो सिलेबस है वो भी आपको बता दिया गया है। तो टोटल इसमें देखिए 26 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी टोटल आप नीचे देख लीजिए, इसमें 26 टॉपिक है। तो हम उन्हीं सारे के सारे टॉपिक्स को एक एक वीडियो में देखेंगे और पूरा कवर करेंगे आपका सिलेबस। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, या इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और जो भी फैक्ट्स उससे संबंधित है, क्योंकि देखिए इसमें मोस्टली वन लाइनर टाइप के प्रश्न आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे वन दरोगा में, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर में भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ऐसे इसी तरह का पैटर्न कुछ इसका रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय वन नीति। और सबसे पहला इसमें सब हेडिंग है भारत में राष्ट्रीय वन नीति की पृष्ठभूमि, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम बैकग्राउंड इसका क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीति मतलब आपकी पॉलिसी। तो किसी भी पॉलिसी की जरूरत देखिए आपको क्यों पड़ती है, जब भी देखिए आप कुछ, अगर सरकार कुछ करने की कोशिश करती है तो उसको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है जिसके अंतर्गत उसे काम करना पड़ता है। तो इसी तरह भारत में फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, या फॉरेस्ट से जितने भी हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं, जो वन के हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसके मैनेजमेंट के लिए सरकार एक पॉलिसी बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है, जिसके अराउंड ही सारी आपकी जो एक तरह से मेजर्स होते हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ती है और उसी संबंध में राष्ट्रीय वन नीति भारत में बनाई गई है। और अगर हम बात करें, इंडिया दुनिया के सबसे पहले ऐसे देशों में शामिल है जहां पर वन नीति बनाई गई थी। ठीक है, तो 1894 में सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, जो ब्रिटिश नियंत्रण को जंगली क्षेत्र में मजबूत करती थी। ठीक है, आप सभी को पता है 1853 में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी और उस समय जो ट्रेन की आपने देखा होगा स्लीपर वगैरह जो बर्थ वगैरह थी वो ज्यादातर लकड़ी की ही बनती थी, और इवन जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उसके नीचे भी आपको लकड़ी के स्लीपर्स वगैरह लगाने पड़ते थे। तो इसलिए जो अंग्रेज थे उनको लकड़ी की काफी ज्यादा जरूरत थी और इसी वजह से आपने देखा होगा उन्होंने चीड़ के पेड़ वगैरह या जंगली क्षेत्रों में उनका इंट्रूजन काफी बढ़ गया था। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए 1894 में जो अंग्रेजी सत्ता थी उसने भारत में पहली वन नीति 1894 में घोषित की। यहां पर देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछे, ऐसे दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला कि भारत में पहली वन नीति कब घोषित की गई, तब आप ऑप्शन देख के लगाइएगा 1894। अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब घोषित की गई, तब आपका उत्तर होगा 1952। तो उसको देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति वर्ष 1952 में अपनाई गई। इस नीति में वनों के संरक्षण तथा उसके बेहतर उपयोग की बात की गई तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार 1894 की नीति में परिवर्तन लाया गया। तो ठीक है, 1894 की जो हमारी पहली पॉलिसी थी उसमें ही संशोधन कर 1952 में पहली पॉलिसी स्वतंत्र भारत की लाई गई थी, जिसमें हमारा जो मेन फोकस क्या था, वनों का संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और उसका बेहतर उपयोग यानी बेटर यूटिलाइजेशन, कि हम उसका एक तरह से गलत तरीके से उपयोग ना करें, उसका रिसोर्स का एफिशिएंटली हम यूज करें, संसाधनों का एक हम कह सकते हैं दक्षता के साथ हम यूज करें। ठीक है, अब देखते हैं, सरकार की इस वन नीति के कारण ही 1952 से वर्ष 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1187.5 हेक्टेयर से बढ़कर 1429 लाख हेक्टेयर हो गया। तो देखिए काफी ज्यादा वृद्धि हुई, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में वनाच्छादित भूमि को वृक्षहीन करके किया गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का आपका एक्सटेंशन इसमें किया गया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर भारत में आपने देखा होगा हम जो टारगेट रखते हैं वो रखते हैं 33% का, कि हमारा जो टोटल एरिया है उसका 33% हमारा वनाच्छादित या फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। तो इसकी सबसे 33% की पहले बार सबसे पहले 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी में ही की गई है। तो अगर आपसे ये पूछे कि जो 33% वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने सबसे पहले कहां पर लाया है, तो 1952 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है इसी में हमने सबसे पहले 33% का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। आगे देखते हैं, इस नीति के प्रावधान वन क्षेत्र में कमी को रोकने में बहुत सफल नहीं हो पा रहे थे। तो साथ ही इस समय तक भारत की आवश्यकता, जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि का स्तर भी परिवर्तित हो चुका था। ठीक है, तो आप देखिए जब आपकी जनसंख्या बढ़ती है तो आपको पता है आपको जो फॉरेस्ट लैंड है उसको काटकर रेजिडेंशियल एरिया बनाने पड़ेंगे, उनको रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इंडस्ट्री
वगैरह डेवलप करनी पड़ेंगी, तो उस सब के लिए कहीं ना कहीं वनों का क्षरण हो रहा था और उसको रोकने में 1952 की जो आपकी ये नीति है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रही थी। इसीलिए फिर से इस नीति में परिवर्तन कर या संशोधन कर 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा संकल्प संख्या 3/1/1986 दिनांक 7 दिसंबर 1988 के अनुसार संशोधित किया गया और आपकी नई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 लेकर आई गई। देखिए प्रश्न आपके अगर बनने के चांसेस हैं वो इसी से बनने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वर्तमान में जो है वो यही पॉलिसी भारत में काम कर रही है, यानी हमारा जो वन नीति है इस समय यही रन कर रही है। ड्राफ्ट हमारा आ चुका है नई नीति का, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुई है, तो हमारा फोकस इसी पर रहेगा। वर्ष 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश को रोकना, ठीक है, यानी आपका फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन को कम करना तथा वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। अब हम इसके मेन मेन फीचर देखेंगे कि इसमें मेन फीचर्स क्या है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रमुख प्रावधान, पहला देखिए जो 1952 में था उसको ही इसने संशोधित किया, तो उसका ही ये वाला प्रोविजन इसने कैरी फॉरवर्ड किया। देश के 33% भाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, वनों को उनकी वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, यानी नेशनल हेरिटेज, ठीक है, नेशनल हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जाएगा, यानी कंजर्व किया जाएगा। व्यापक पैमाने पर वनारोपण अभियान, आपने देखा होगा प्लांटेशन ड्राइव या वृक्षारोपण अभियान उत्तर प्रदेश में लगातार चलता रहता है, और उसमें हमने कई करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को उसमें बनाया था, तो देखिए वो यहीं से आपको दिखेगा। व्यापक पैमाने पर वनारोपण अभियान चलाए जाएं तथा सामाजिक वानिकी, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। बाढ़ सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम तथा मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जाए, ठीक है, इसमें क्या है बाढ़ जिसमें इसको बोलेंगे फ्लड, ठीक है, सूखा ड्रॉट जैसी नेचुरल डिजास्टर की रोकथाम करना, आपको पता है जो वन होते हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल को भी बनाए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ आती है उसको भी रोकने का ये काम करते हैं। इसके अलावा मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन व मरुस्थलीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, इसको नियंत्रित किया जाए। राष्ट्रीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वनों की उत्पादकता को बढ़ाना, यानी देखिए आपको पता है जो वन होते हैं वो एक हमें संसाधन भी प्रोवाइड करते हैं, लकड़ियां प्रोवाइड करते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे शहद वगैरह हो गया या तेंदू लीव्स आपने सुना होगा जिसकी बीड़ी बनती है वो उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी नेशनल नीड्स हैं राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा करने में बहुत बड़ा रोल ये अदा करते हैं। जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री आपने देखी होगी वो सारा लकड़ी पर ही बेस्ड होता है, ठीक है, तो ये भी हमारी काफी ज्यादा आवश्यकता पूरा करता है। इसके अलावा जो बैम्बू है या बांस है वो भी काफी ज्यादा रोल हमारे इकोनॉमी में रोल अदा करता है, तो उसके लिए भी वनों की उत्पादकता को बढ़ाना या फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को आपका प्रोत्साहित करना, यानी आपका देखिए एफिशिएंट यूज, मैंने ऊपर भी बात करी थी हमें अंधाधुंध उसका यूज नहीं करना है, हमारे पास देखिए सबको पता है रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो रिसोर्स का हमें अच्छे से उपयोग करना है, उसकी बात भी इस पॉलिसी में की गई थी, जो हमारे वनों के संसाधन है उसका एफिशिएंटली यूज करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है, भागीदारी किसमें आपका फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में यानी वनों के संरक्षण में, इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करने में, ठीक है, जिसको आप जन भागीदारी बोलते हो हिंदी में, ठीक है, जन भागीदारी, इसका भी ये काफी ज्यादा रोल था, और रोजगार के अवसर इन संसाधनों के द्वारा पैदा करना। अगला, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों एवं तटीय इलाकों, तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है वहां पर, और तटीय इलाके यानी हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं या कोस्टल एरियाज हैं वहां पर रेत के टीलों के विस्तारों की जांच करना एवं उसको रोकना। रेत के टीले इंग्लिश में इसको बोला जाता है, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं सैंड ड्यून, ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन है उनको रोकना, इसके थ्रू फॉरेस्टेशन या अफॉरेस्टेशन के थ्रू वृक्षारोपण के थ्रू। अब देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 की आलोचना। देखिए आप सभी को पता है 1987-88 या 1980 के दशक के बाद जो क्लाइमेट चेंज है यानी जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, इसी वजह से देखिए इस नीति की आलोचना की जाती है कि नीति काफी पुरानी हो चुकी है। 1991 में देखिए आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स जिसे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हम बोलते हैं उसमें भी काफी ज्यादा भारत ने उसमें अपनी जो इकोनॉमी है उसमें परिवर्तन किया, तो उसकी वजह से भी जो वनों का दोहन है वो काफी तेजी से हुआ है।
हमारी जनसंख्या भी बहुत तेज बढ़ रही है और आने वाले कुछ सालों में हम चाइना को भी पीछे कर देंगे। तो इसकी वजह से देखिए, अब जो एक्सपर्ट है, साइंटिफिक एक्सपर्ट है, वो ये मानते हैं कि जो 1988 वाली हमारी नीति है वो आज के समय में इतनी कारगर नहीं है और उसकी आलोचना भी होती है। तो देखते हैं, विशेषज्ञ राष्ट्रीय वन नीति 1988 की आलोचना करते हैं और इसमें जरूरी संसाधनों की या संशोधन सॉरी संशोधनों की सिफारिश करते हैं या अमेंडमेंट्स की सिफारिश करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति काफी पुरानी हो चुकी है और इसमें समय के अनुसार सरकार ने संशोधन भी नहीं किए हैं, अतः यह 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति नहीं करती है। देखिए, आप भारत आप देखेंगे विश्व गुरु बनने की बात करता है, ग्लोबल लीडर बनने की बात करता है, तो उसके हिसाब से इस नीति में चेंज नहीं किए गए हैं। 1988 के बाद से जलवायु परिवर्तन में भारी बदलाव आए हैं, देखिए वही क्लाइमेट चेंज में भारी बदलाव आए हैं, तथा भारत ने जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु कई प्रकार के कदम भी उठाए हैं। देखिए, आपने सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने लॉन्च किया है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, इसके अलावा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया है, इसके अलावा हमारे जो एनडी आपका एनडीसी हमारे जो है नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन पेरिस क्लाइमेट चेंज में, वो हमारे बहुत अच्छे हैं जिसमें हम सौर ऊर्जा को एक तरह से प्रमोट करते हैं। तो भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इन सब चुनौतियों व प्रयासों का राष्ट्रीय वन नीति प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यानी देखिए काफी पुरानी नीति है, तो इसको इन सब जो फैक्टर्स है इसको इसमें इनकल्केट नहीं किया गया है। भारत में इस समय राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। देखिए, ये काफी अच्छा पॉइंट है। अभी तक देखिए कि फॉरेस्ट आप किसको कंसीडर करोगे, इसके लिए कोई भी एक एक्सेप्टेबल डेफिनेशन आपकी नहीं बनाई गई है, हर जगह इसकी डेफिनेशन अलग अलग मिलती है। तो किसको वन माना जाए, अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा तो आप उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो फॉरेस्ट है उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाए जो कि लगभग हर स्टेट में भारत के वो लागू हो, और जिससे जो राज्य भी अगर कुछ पॉलिसी बनाते हैं इसमें कंजर्वेशन में तो उसमें भी उनको हेल्प हो। इसके अतिरिक्त वन प्रबंधन हेतु यहाँ कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है, यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट हेतु भी कोई हमारे यहाँ स्पष्ट नीति नहीं है। इसके अलावा देखिए, जो हमारे वन रक्षक है उसमें भी काफी पोस्ट खाली रहती है, ठीक है, जंगलों में, तो उसमें जो आप कह सकते हो कि बीटिंग वगैरह करने में या फिर जो उसका ऑब्जर्वेशन करने में काफी दिक्कत हमें होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि काफी ज्यादा चीजें हमारे यहाँ भी ठीक नहीं चल रही है। देखिए, और इसके अलावा मैं कुछ एडिशनल आपको पॉइंट बताऊं, जो ड्राफ्ट हमारी नेशनल पॉलिसी है नई वो बनाई जा चुकी है लेकिन अभी तक उसको अमल में लाया नहीं गया है, तो अभी हमारे यहाँ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ही चल रही है। तो देखिए, यही पूरा डिस्कशन था, आई होप आपको ये डिस्कशन काफी पसंद आया होगा, और अब मैं इसके एक एक करके सारे पार्ट्स लेकर आऊंगा जिसमें हम उसको शॉर्ट फॉर्म में पूरा डिस्कस करेंगे ताकि आपका सिलेबस भी समय से कवर हो जाए। तो अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हम डेली करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।